कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की हैं और पार्टी ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। खेड़ा ने कहा कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही उन्हें सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं, वहीं 60-70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60-70% चार्ज थीं। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं और एक रिपोर्ट भी तैयार होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या हुआ था। पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, भाजपा के नेता भी यही बात कर रहे थे। जब हर कोई कांग्रेस की जीत की बात कर रहा था, तब क्या कारण था कि कांग्रेस वहां पर हार गई? हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, तीन जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा